नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। औरैया की पुलिस अधीक्षक अपर्णा गौतम के निर्देशन में थाना दिबियापुर की पुलिस ने 17 मार्च के दिन कस्बे के मोहल्ला विकास कुंज में मौजूद एक मकान पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस को वहां अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री मिली। पुलिस ने मौके पर मौजूद शराब माफिया रमेश चंद्र को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान 3 बाकी बदमाश मौके का फायदा उठाकर भाग गए। पुलिस ने गिरफ्तार शराब माफिया रमेश चंद्र और उसके 3 फरार साथियों के खिलाफ दिबियापुर थाने में IPC की संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया। रमेश चंद्र के फरार साथियों को पकड़ने के लिए दिबियापुर पुलिस की एक टीम बनाई गई, जो बदमाशों के छिपने के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही थी। मंगलवार रात मुखबिर से सूचना पाकर पुलिस ने सहायल तिराहा पर छापा मारा और लंबे समय से फरार चल रहे इन 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। जैसा कि पहले से आप लोगों को ज्ञात है कि दिनांक 17 मार्च 2021 को दिबियापुर के विकास कुंज में एक अवैध शराब के निर्माण की फैक्ट्री पकड़ी गई थी, जिसमें मौके से एक अभियुक्त पकड़ा गया था, बाकी लोग फरार हो गए थे। मुकदमा अपराध संख्या 131/21 दर्ज किया गया था। वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए उनकी गिरफ्तारी हुई, टीमें गठित की गई थी, लगातार प्रयासरत थे। कल इनमें से 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, इनको कोर्ट में प्रस्तुत कर जेल भेजा जा रहा है। शेष अभियुक्तों के विरुद्ध शीघ्र ही गिरफ्तारी की गई।